हेलो बच्चों, फिर से वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए जोन क्लास में। तो रश्मि मैम हमारे साथ फिर डरने की है क्या बात। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 7 के 15 क्वेश्चन। हम लोगों ने कर लिए थे लास्ट क्लास में। चैप्टर 7 क्या था हमारा, स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट था। तो उसके हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आज मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, ताकि आपको एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और बढ़ते हैं हम अपनी अपनी आगे की क्लास आगे के क्वेश्चंस को बनाने में स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए, फटाफट से चैनल को शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। चलिए हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अ मैन प्लांट्स हिज ऑर्चर्ड विद 729 ट्रीज एंड अरेंजेस देम सो दैट देयर आर एज मेनी रोज एज देयर आर ट्रीज इन अ रो। हाउ मेनी रोज आर देयर। कह रहा है एक प्लांट मैन जो है वो प्लांट कर 729 ट्रीज को प्लांट करता है अपने ऑर्चर्ड में, और उसको इस तरह से लगाता है कि हर एक रो में उतने ही प्लांट होंगे जितने की रोज हैं। ओके, तो आपको बताना है कि कितने रोज हैं उसके ऑर्चर्ड में। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको कैसे हम करेंगे, मैं आपको एक छोटे से तरीके से बताती हूँ आंसर इसका। कि अगर मान लीजिए किसी के पास 25 ट्रीज हैं, ठीक है, 25 ट्रीज हैं जिसको लगाना है, ठीक है, और 25 ट्रीज को लगाना है इस तरह से लगाना है कि जितने रोज हो उतने ही ट्रीज हो। इसका मतलब क्या हुआ, जितने रोज हैं उतने ही कॉलम बनेंगे, ठीक है, सब बराबर बनेंगे तभी तो इक्वल होंगे, इस तरह से बन जाएंगे। यानी कि आप देखो इसको हम निकालेंगे कैसे, जितने भी रोज हैं और जितने ट्रीज हैं दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, रोज जितने हैं वो एक्स मान लिया, ट्रीज जितने हैं मतलब दोनों बराबर है तो दोनों को हम एक्स मान सकते हैं। तो एक्स रोज इंटू एक्स ट्रीज इज इक्वल टू जितना भी है, जैसे मैं अभी 25 को बता रही हूँ, इज इक्वल टू 25 हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 पे स्क्वायर इधर आया तो रूट बन गया। अब एक्स इज इक्वल टू 25 को क्या लिखते हैं, 5 × 5, तो 5 पे 5 कॉमन आ गया बाहर। इसका मतलब क्या हो गया, रोज भी कितने हैं 5 है और हर रोज में कितने ट्रीज हैं, 5 ट्रीज है अगर हमने 25 ट्रीज को लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा, ये 729 को भी हम इसी मेथड से बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 729 ट्रीज हैं, तो हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं एक रोज में लग रहे हैं वो एक्स है, और रोज की संख्या एक्स है, यानी कि रो कितनी है एक्स है, और कह रहा है कि जितने रोज है उतने ही ट्रीज उसको लगाने हैं, तो दोनों को हम एक्स मान लेते हैं, दोनों बराबर है इसलिए हमने दोनों को एक्स मान लिया, इज इक्वल टू 729। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 729, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 729। निकाल लेते हैं इसका हम डिवीजन मेथड से, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 × 4, अभी कितने टाइम्स में जाएगा 7 टाइम्स में, 7 × 7 = 49 होता है, 3 टाइम्स में अगर करते हैं 3 × 3 था तो ये छोटा हो जाता है, इसलिए हमने 7 टाइम्स में किया। ये 27 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू हम 79 को क्या लिख सकते हैं 27 × 27, और दो 27 में से एक 27 बाहर आ जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू 27 आ गया। इसका मतलब यहाँ जो पूछा जा रहा था हाउ मेनी रोज आर देयर, तो 27 रोज यहाँ पे हो गए, ठीक है, 27 रोज हो गए और हर रोज में कितने ट्रीज हैं, तो 27 ट्रीज हैं, ठीक है, रोज की संख्या 27 है एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन अ सिंगल रो इज आल्सो 27, क्लियर। आई होप कि आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अ गार्डनर प्लांट्स 3600 ट्रीज इन गार्डन, ही अरेंज देम सो दैट ट्रीज आर मेनी रोज एज देयर आर ट्रीज इन अ रो। हाउ मेनी रोज आर देयर, सेम क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट में किया था, सेम क्वेश्चन है। गार्डनर प्लांट कर रहा है 3600 ट्रीज को लगा रहा है अपने गार्डन में, वो उसको इस तरह से लगा रहा है कि जितने रोज हैं उतने ही ट्रीज होते हैं, यानी कि जितने रोज होंगे उतने कॉलम होंगे ट्रीज के। तो इसको भी आप उसी तरीके से बनाओगे, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका होमवर्क क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दोगे। ओके, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप मुझे दोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बाय व्हाट लिस्ट नंबर 712
20 be multiplied so that the resulting number is perfect square. कह रहा है कि कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर हम 720 से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आए वो क्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि 720 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें किसी भी एक नंबर की कमी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड से इसका हम फैक्टर्स निकाल देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, फैक्टर्स निकालते हैं। देखिए इसका फैक्टर्स क्या क्या आ गया, 720 का फैक्टर्स क्या क्या आ गया, 2 × 2 कितने टाइम्स, 2, 3, 4 बार, 3, 4 और 3 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, और 5 कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर इनके पेयर्स बन जाते हैं तो क्या होते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, इनमें सबके पेयर्स बनेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। हर नंबर्स का पेयर्स बनना चाहिए तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर पेयर नहीं बन रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ किस चीज की कमी दिख रही है हमें, 5 सिर्फ एक ही दिख रहा है, अगर यहाँ पे हम एक और 5 लगा दें तो इसका भी एक पेयर बन जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक और 5 चाहिए जिससे कि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्लियर, तो ऑप्शन में हमारे 5 नंबर 3 का है, थर्ड नंबर ऑप्शन 5 है जो कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जहां भी आए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को आप फैक्टराइज कर लोगे और फैक्टराइज करने के बाद हर नंबर का पेयर बनाओगे, जो भी नंबर बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा उस नंबर से वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आप उसको चेक भी कर सकते हो, इस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करके जब आप इसका बनाओगे तो एक 5 और यहाँ आ जाएगा जो कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनने का रीजन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो कह रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक 175 अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि आपको वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसको अगर हम 175 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो जब सब्ट्रैक्ट करने की बात होती है तब हम क्या करते हैं, इसको डिवीजन मेथड से इसका हम पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं। 175 का हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे 6 माइनस करके 6 आ रहा है, इसका मतलब इसमें अगर हम 6 को माइनस कर दें इस नंबर में से तो ये 69 होता, 75 में से अगर हम 6 को माइनस कर देते तो ये 69 होता, और 69 ये 69 होता तो माइनस होके ये सब्ट्रैक्ट होके फिनिश हो जाता है, 8 में से इसका स्क्वायर रूट बन जाता। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि 175 है तो यहाँ पे हम इसको डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। पहले तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर को हम इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वही रिमाइंडर वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये नंबर एक स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका थर्ड नंबर 6 हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए 175 में से अगर हम 6 को माइनस करें तो क्या हो जाएगा हमारा 169। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, 13 × 13 होता है 169। इसका मतलब 169 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 13 का, तो सबसे छोटा यही हो गया। अब इसके बाद अगर हम 14 का स्क्वायर करें तो वो इससे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अ जनरल विशिंग टू ड्रॉ अप हिज 16,160 सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर फाउंड दैट ही हैड 31 सोल्जर्स ओवर, फाइंड द नंबर ऑफ मेन इन द फ्रंट लाइन। कह रहा है एक जनरल जो है अपने 16,160 सोल्जर्स को क्या करना चाहता है, एक सॉलिड स्क्वायर का शेप देना चाहता है, मतलब इस तरह का एक शेप देना चाहता है अपने इन सोल्जर्स को मिला करके। तो सॉलिड स्क्वायर का शेप देने का मतलब इनके रोज और कॉलम की संख्या बराबर होगी, जितने रोज में होंगे सोल्जर्स उतने ही कॉलम में भी सोल्जर्स होंगे, इक्वल होंगे सारे। ठीक है, ऐसा ये देना चाहता है, करना चाहता है। अब कह रहा है इसमें कि अब अगर इस तरह से अरेंज जब वो करता है तो उसको पता चलता है कि 31 सोल्जर्स उसके पास ज्यादा है,
तो 31 सोल्जर जब ज्यादा है, इसको अरेंजमेंट के बाद उसके पास 31 सोल्जर ज्यादा हो जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मेन इन द फ्रंट लाइन, तो पूछ रहा है ये नंबर फ्रंट लाइन में जितने भी सोल्जर्स की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले तो जितने सोल्जर्स इसके पास ज्यादा है उनको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस करके क्या आ जाएगा हमारा 16129। इतने सोल्जर्स को उसने अरेंज किया है स्क्वायर शेप में। ठीक है, तो इतने को अगर अरेंज किया तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जब भी इस तरह का होता है रोज और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो इसको हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो रोज इंटू कॉलम, पहले जो क्वेश्चन बताया था मैंने फर्स्ट और सेकेंड सब यही था, रोज इंटू कॉलम इज इक्वल टू 16129। तो ये क्या हो जाएगा, रोज और कॉलम में नंबर ऑफ संख्या जितनी भी होगी ये क्या हो जाएगा 129, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसके रूट बन जाएगा। रूट बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 16129। डिवीजन मेथड से निकालो क्योंकि ये लंबा है, ये क्या हो जाएगा 117। तो ये क्या आ गया हमारा 127। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रंट लाइन में मेन की संख्या है वो कितनी है, 127 है। फ्रंट लाइन क्या, हर एक लाइन में 127 ही होगा, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको फ्रंट लाइन दे दिया है। ठीक है, तो हर लाइन में किसी भी लाइन में कितनी संख्या होगी, सोल्जर्स की संख्या 127 ही होगी, और कितने कॉल्यूम्स होंगे या कितने रोज होंगे अगर पूछा जाएगा तो भी हम क्या लिखेंगे, 127 ही होंगे। चलिए ये होगा हमारा कौन सा आंसर, फर्स्ट नंबर इसका हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। सो ऑफ कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है आपको, बाय विच जिस नंबर से 9408 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो भी संख्या मिलेगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और साथ ही साथ हमको ये भी निकालना है द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेंड। अब वो जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट, किस नंबर का स्क्वायर रूट है ये भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें वो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो अब एक चीज आप इसमें देख रहे होगा, आंसर से हम क्वेश्चन पे जो ऑप्शन है उससे भी हम आंसर पे जा सकते हैं। तो इसमें देखिए सब में 56 है, सब में 56 है तो हमें वो स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें वो स्क्वायर रूट नहीं निकालना है। यहां से भी हम जा सकते हैं 56 का स्क्वायर कर लेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेथड से बता रही हूँ। पहले देखिए, एक तो हमें 56 मिल गया, अब दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, 9408 का हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन किया तो हमने क्या क्या मिला, हमें 2 कितनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 3 4 5 6 3 कितनी टाइम्स, एक बार, 7 कितनी बार, दो बार। तो अब देखिए कॉमन जो बन रहा है फैक्टर स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पेयर्स देखने होते हैं। तो इसमें देखो पेयर्स बन रहा है इनका, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर हम इसी 3 से इस नंबर को अगर हम डिवाइड कर दें, इस नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसको, यानी कि हमें वो छोटा नंबर मिल गया, वो छोटी संख्या मिल गई जिससे हम इस नंबर को डिवाइड करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वो कौन सा हो गया, 3 हो गया। तो 3 हमें पहला नंबर 3 मिल गया और सेकेंड इसमें समय 56 दिया हुआ है तो हम इसको सेकेंड वाला 56 मान लेते हैं 3। ये हो गया हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। अब आप चाहे तो ये दूसरा निकाल भी सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि सब में 56 है। अगर अलग अलग होता तो आप लोग क्या करते हैं, इसको फिर 3 से डिवाइड करते और डिवाइड करने के बाद फिर आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते तो आपको मिल जाता है। यहाँ पे डिवीजन मेथड से निकाल लोगे क्योंकि डिवीजन मेथड से जल्दी निकलेगा। आप इस संख्या को 9408 को 3 से डिवाइड करो और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो तो आपका 56 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5929 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ऑडिटोरियम इन सच अ मैनर
that there are as many students in the row as there are rows in auditorium. How many rows are there in the auditorium? ऐसे क्वेश्चन हम फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं. कह रहा है कि इतने स्टूडेंट्स हैं, इनको एक ऑडिटोरियम में बैठाना है. तो क्या कह जा रहा है, इस तरीके से बिठाया जा रहा है कि जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही रोज की संख्या है. मतलब एक रो में उतने ही स्टूडेंट हैं जितने रोज की संख्या है. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम सीधा क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे. तो क्या हो जाएगा, 5929 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे. हमारा आंसर क्या आ गया, 77 नंबर ऑप्शन कौन सा है, हमारा फोर्थ नंबर इसका आंसर हो जाएगा. तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए कि उनको इस तरह से अरेंज करना है कि जितने उनके नंबर्स हैं उतने ही रोज के नंबर्स हैं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सीधा इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं. अ जनरल अरेंजेस हिज सोर्सेस इन रो टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर. He find that in doing so, 60 sources are left out. If the total number of sources be 8160, the number of sources in each row are. ऐसे क्वेश्चन हमने पहले बनाए हैं. तो क्या कह रहा है, इसमें एक जनरल में हमने sources को रो में इस तरह से एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में उसको क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है अपने sources को. परफेक्ट स्क्वायर के रूप में अरेंज करने का मतलब कि जितने sources एक रो में है उतने ही रोज की संख्या है. ठीक है, जितने परफेक्ट स्क्वायर कहने से मतलब ही समझ में आता है कि जितने सोर्सेस एक रो में होंगे उतने ही नंबर ऑफ रोज भी होंगे. ठीक है, तो अगर ऐसा वो करता है तो क्या होता है कि 60 सोर्सेस लेफ्ट आउट हो जाते हैं. मतलब 60 सोर्सेस अलग हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं तो वो बचे जाते हैं, बाहर हो जाते हैं. इफ द टोटल नंबर ऑफ सोर्सेस, यानी कि अब टोटल नंबर ऑफ सोर्सेस अगर 8160 है तो नंबर ऑफ सोर्सेस हर रो में नंबर ऑफ सोर्सेस कितने होंगे, हर रो में. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8160 सोर्सेस थे तो जब उसने स्क्वायर के रूप में उसे सेट किया, अरेंज किया, तो 60 सोर्सेस ज्यादा हो गए. तो इसका मतलब सबसे पहले तो हम 60 सोर्सेस को माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये 8100 इतने सोर्सेस को ही उसने स्क्वायर के रूप में अरेंज किया. तो इतने को क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे. 8100 का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे. क्या हो जाएगा, 99 81. अब दो जीरो अगर नीचे बच जाता है तो एक जीरो हम ऊपर ले लेते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया, 90 सोल्जर्स जो है, नंबर ऑफ रोज भी कितने हो गए, 90 हो गए, और नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हो गए, 90 हो गए. कुछ भी पूछेगा इसमें से तो क्या होंगे, 90 हो गए. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा. तो समझ में आ रहा है तो फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलो. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन देखते हैं. द लेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू 4931 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको कि अगर हम इसमें से माइनस करें तो वो क्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसको डिविजन मेथड से इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे. देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 31 रिमाइंडर बच रहा है. 31 रिमाइंडर बच रहा है तो अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, रिमाइंडर है रहा, अब डेसिमल में चला जाएगा अगर हम करेंगे तो. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4931 में से अगर हम छोटी से छोटी संख्या 31 को माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, इसका आप निकाल के भी देख सकते हो, 4900 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 का ऊपर 0 आ गया, यानी कि 70 का परफेक्ट स्क्वायर है. 70 × 70 करेंगे तो 4900 हो जाएगा. इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सेकंड नंबर 31. ओके, अब इसी क्वेश्चन पे बेस्ड ये क्वेश्चन भी है हमारा. द लेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. तो आप क्या करोगे, इसका पहले डिविजन मेथड से इसी तरह से इसका आप स्क्वायर निकालोगे और जो भी नीचे रिमाइंडर बचेगा उसमें से इसको माइनस कर दोगे और वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा. तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे देंगे. क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा वो आप बताएंगे. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो नंबर क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3600 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब है यहाँ पे, ध्यान देना है. ठीक है,
कौन सी ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जिसको कि बाय विच इस नंबर को मस्ट बी डिवाइडेड, उस नंबर से अगर हम इस नंबर को डिवाइड करें तो वह एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, क्यूबिक रूट हम कैसे निकालते हैं, क्यूबिक रूट निकालने का क्या तरीका होता है। यहाँ 3 लिखते हैं और 3600 था, इसका ओनली एंड ओनली मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं पहले, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 कितनी बार आ गया, 2, 3, 4 चार बार 2 आ गया, 2, 3, 4 3 कितनी बार, 2 बार आ गया, और 5 कितनी बार, 2 बार आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम 3 का पेयर बनाते हैं, तो 3 का पेयर इसमें किसका बन रहा है, 3 का पेयर इसमें ओनली एंड ओनली 2 का बन रहा है, 3 पेयर, बाकी किसी का भी 3 पेयर नहीं बन रहा है, इसमें भी 2 ही है, इसमें भी 2 ही है और इसमें भी, इसमें एक ही है। तो अगर हम इन नंबर्स को इसी नंबर से डिवाइड कर दें, यानी कि 2 × 3 × 3 × 5 × 5 इस नंबर से अगर हम इस नंबर को, इन पूरे नंबर को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये बच जाएगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। यही तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, सॉरी क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब बनेगा जब हम ये सारे नंबर्स को हम कैंसिल करेंगे, ये सारे नंबर को कब कैंसिल करेंगे, जब इसी नंबर से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये सारे नंबर जो बचे 2 × 3 × 3 × 5 × 5 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा हमारा 450। 450 हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब होगा तो हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज कर लेंगे और उसके बाद जिसका पेयर बन रहा है 3 का उसको छोड़ के बाकी जितने भी बच रहे हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस नंबर से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन क्यूब बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 112 बाई √196 इंटू √576 अपॉन 12। ठीक है, तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, √196 इंटू √576/14। ठीक है, तो अगर आपको टेबल याद हो तो ये किसका हो जाएगा 112, ये इसको हम फैक्टराइज करें तो ये 14 × 14 होगा, अगर आपको टेबल याद है तो ये 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 576 जो है वो 24 का स्क्वायर होता है, तो ये 24 × 24 हम इसको लिख लेंगे, यहाँ हो गया 12। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं हम, 112 यहाँ 2 14 में से 1 14 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये रूट हट गया यहाँ पे, अब यहाँ भी 24 में से 2 24 में से 1 24 बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, नीचे 12 आ गया, ये क्या हो जाएगा, 2 × 24 होता है, 2 7 ये हो जाएगा। अब 7 से देखते हैं क्या ये कटता है, 16 टाइम्स में कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 16 ऑप्शन कौन सा है हमारा, 3rd नंबर ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या किया हमने इसमें, इसमें हमने पहले तो क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद ये 196 किसका स्क्वायर है, कौन दो इसको फैक्टर, या फिर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे अलग से अगर याद नहीं है तो, अगर आपको टेबल याद है तो 196 जो है वो 14 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम 14 × 14 में तोड़ देंगे, और फिर 576 जो है वो 24 का स्क्वायर होता है, अगर नहीं आता है तो उसका भी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, तो ये 24 × 24 हो जाएगा अपॉन 12। अब जो भी इसमें कटने वाले हैं, इसमें 24 में से 1 24 बाहर आ गया, इसमें 14 में से 1 14 बाहर आ गया। ठीक है, अब जो कटने वाले होंगे उनको हम बांट देंगे और जो भी बच जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इफ √4096 इज इक्वल टू 64 देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब √4096 64 हो रहा है तो हमें निकालना है इसका वैल्यू, यानी कि हमें इन सब को √4096 के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, तो ये हम कैसे करेंगे तभी हमें ये 64 मिलेगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है 40.96 प्लस दूसरा क्या है हमारा 0.4096, तीसरा क्या है हमारा 0.004096, चौथा क्या है हमारा 0.00004096। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले को,
किसको लिख सकते हैं हम, 4096 अपॉन लिख सकते हैं क्या, दो जीरो है, दो डिजिट के पहले डेसिमल है तो दो जीरो आ जाएगा यहाँ, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4096, इसके नीचे वन के साथ चार जीरो आ जाएंगे, इसके साथ वन के साथ छह जीरो आ जाएंगे, इसके साथ एट आ जाएगा, एट आ गया। आप देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 4096, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 10 into 10, ठीक है, फिर प्लस 4096 अपॉन, ये कितने 10 हो जाएंगे, अंडर रूट 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, देन प्लस 4096, और फिर नीचे कितना हो जाएगा 6 है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 4096, यहाँ पे 80 है, और नीचे दो 10 में से एक 10 बाहर निकल जाएगा, इसका ये हो गया, प्लस ये क्या हो गया, ऊपर 64 और नीचे दो 10 आ जाएंगे, हम दो 10 का मतलब क्या हो गया 100, सीधा लिख देती हूँ मैं इसको 100, प्लस यहाँ लिखे ये भी 64, और अपन यहाँ कितने जीरो हो गए, 3 जीरो मतलब 1000 हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी ऊपर 64 आ गया और नीचे कितने हो गए, यहाँ पे चार पेयर बन रहे हैं तो 4 10 यानी कि 4 जीरो हो गए, ये आ गया। अब देखिए इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं एक बार, ये 6.4 हो गया, ये 0.64 हो गया, ये 0.064 हो गया, ये 0.0064 हो गया, अब इन्हें हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो डेसिमल हटाया, जीरो नीचे वाले 100, 10 और 1000 सबको हटाया, तो डेसिमल में चेंज कर दिया। अब इन नंबर्स को यहाँ एक बार लिख के इसको हम ऐड करते हैं, 6.4, दूसरा है 0.64, तीसरा है 0.064, चौथा है 0.0064, ठीक है। ये 4 6 4 10 हो गया, 11, 7.1104 कौन सा है हमारा, 7.1104 थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, ये मैंने लॉन्ग बताया इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो इसको हम दो लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसको बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपको देख के मुश्किल लग रहा हो लेकिन है बहुत आसान, सिंप्लीफाई करना है इसे, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, 256 अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाई, ये क्वेश्चन मार्क है, इसे हम x मान लेते हैं, इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब देखिए 256 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 16 into 16 में, अब उसके अंदर है 16 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 16, अब ये दो x में से एक x बाहर आ जाएगा तो ये रूट इसका हट जाएगा, ये 16 आ गया, ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 16। अब यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, ये रूट 16 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 16 by 16, कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया। अब देखिए अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1, अब ये रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 16 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 बाई एक्स है, ये डिवाइड का मतलब अपॉन में 1, अब x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 16, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, सेकेंड नंबर जो हमारा 16 है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा,
देखिए इसको मैंने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर लिया, ये 16 × 16 का 16 का स्क्वायर है, इसलिए इसको हम 16 × 16 लिख सकते हैं। अब ये रूट के अंदर है तो 2 × 16 में से 1 × 16 को बाहर निकालेंगे जैसे ही, तो ये रूट का साइन खत्म हो जाएगा। फिर ये 16 / x = 16, अब देखिए ये 16 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके ये 1 बन गया। अब इसके साथ ये डिवीजन में है, अब इस रूट को इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 हो गया ये। अब 16 डिवीजन में है मतलब अपॉन में है x के, 16/x = 1, अब x उधर चला गया तो 16 × x = 16 आ गया हमारा, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2 to the power 8, 2 to the power 8 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या है कि इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ये हमें हमारा साइन होता है स्क्वायर रूट का, इसका मतलब क्या हो गया, 2 to the power 8 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 8 है। अब इसके पेयर्स बना लेंगे हम, कितने हो गए, अब 1, 2, 3, 4, 4 2 बाहर आ जाएंगे, ये कितना हो गया 16 नंबर ऑप्शन हमारा कौन सा है, 16 नंबर ऑप्शन हमारा 4th नंबर इसका आंसर, क्लियर। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2 to the power 8 है तो इसको हम 8 टाइम्स लिख लेंगे, फिर दो पे कॉमन 1 बाहर निकाल लेंगे और वही मल्टीप्लाई करके वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 0.01 + 0.81 + 1.21 + 0.0009, ओके यही इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डेसिमल अगर हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1/100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 81/100 प्लस ये क्या हो जाएगा 121/100 प्लस ये क्या हो जाएगा 9/10000, 10000, ओके ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, चलो इसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो 1 तो बाहर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा ये 10 × 10, इसको पहले मैं ब्रैक कर देती हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा, ये 1 × 1 ये 10 × 10 हो गया, और ये क्या हो गया 9 × 9, और नीचे 10 × 10 ये क्या हो गया, ये 11 का स्क्वायर होता है तो 11 × 11 / 10 × 10, ये किसका स्क्वायर है 3 का 3 × 3 / 10 × 10 × 10 × 10, 4 times है, 4 0 है तो 4 times। अब देखिए ये 1 में से 1 1 बाहर आ गया और नीचे 10 बच गया, 2 10 में से 1 10 बाहर आ गया, इसमें 2 9 में से 1 9 बाहर आ गया, 2 10 में से 1 10 बाहर आ गया, इसमें 2 11 में से 1 11 बाहर आ गया, ये 2 10 में से 1 10 बाहर आ गया, इसमें 2 3 में से 1 3 और ये 2 10 बाहर आ जाएंगे, यानी कि ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से इसको वापस से हम डेसिमल में चेंज कर देते हैं, ये 0.1 हो गया, ये 0.9 हो गया, ये 1.1 हो गया, ये 0.03 हो गया, ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया। आप इसको ऐड कर लो एक बार यहाँ पे रफ में, 0.1 0.9 1.1 0.03 2.03 2.03 कौन सा है हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 2.03 2.03 कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हमारा आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे किया हमने, सबसे पहले तो इसको हमने डेसिमल को हटा दिया और उसके बाद इनको फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करके कॉमन बाहर निकाल लिया, इसका रूट स्क्वायर निकाल लिया बाहर, और उसके बाद जो भी नंबर्स आ गए फिर से डेसिमल में चेंज कर दिया, फिर इसको हमने ऐड कर दिया, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ 6561 बाय मीन्स ऑफ फैक्टर्स इज, स्क्वायर रूट इसका निकालना है 6561 का, ठीक है, 6561 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं, चलिए क्या हो गया इसका, कितने टाइम्स 3 हो गया, 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, टू टू का पेयर बना लेते हैं, कितने बन गए, 4 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 81 आ जाएगा, ये 81 ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, इसका हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कह रहा है यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना था, हमने इसको फैक्टराइज मेथड से निकाल लिया, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को स्क्वायर रूट वाले वैसे ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इफ क्यूबिक रूट दिस इज इक्वल टू 57 देन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने स्क्वायर रूट वाला एक बनाया था, ये क्यूबिक रूट वाला है, तो ये भी उसी तरह से बनेगा, क्यूबिक रूट 3 1 8 5 1 9 7 ये है, बस पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, देन 3 1 8 5 1 9 3 देन प्लस क्यूबिक रूट 1 2 3 ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका मतलब तो हमें पता है कि 57 होता है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 57 लिख देंगे, प्लस अब ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 8 5 क्यूबिक रूट 1 9 3 अपॉन क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट 1 के साथ कितने 0 3 0। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे प्लस, इसको हम लिख सकते हैं क्यूबिक रूट 1 8 5 1 9 3 नीचे क्यूबिक रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 हो गए। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा 57 प्लस इसकी वैल्यू तो 57 हो गई, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 पे 1 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 1 10 बाहर आ गया यहाँ पे, ओके, देन प्लस यहाँ ऊपर भी हो गया 57 क्योंकि इसकी वैल्यू 57 है। अब नीचे देखिए 3 पे 1 बाहर निकलेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हो गया हमारा, अब इसको हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, प्लस ये 5.7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 0 है तो 0.057। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, एक बार उसमें देख के यहाँ पे करते हैं, 57.0 या 5.7, ये हो गया 0.057 757 62.757 ये फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, 62.757 कौन सा आंसर हो गया हमारा, ये हो गया फोर्थ नंबर इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं है, क्यूबिक रूट था ये, तो इसको क्यूबिक रूट के फॉर्म में हमने क्या, क्यूबिक रूट में क्या होता है, 3 पे 1 बार आता है, तो यहाँ पे हमने नीचे 3 पे 1 बार निकाल दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का हमारे लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या है, क्यूबिक रूट 1 - 127/343 इज इक्वल टू किसके बराबर है इसमें से, ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, क्यूबिक रूट 1 - 127/343, तो सबसे पहले हम इसके अंदर का काम कर लेते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये अपॉन 1 है, यानी 343 इसका एलसीएम आएगा, नीचे 1 है इधर, तो बड़ा वाला हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा 343 - 127, अब इसमें से इसको हम माइनस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ये (343), ठीक है। अब इसका अगर हम ये निकाले स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर रूट है, तो एक बार करके देख लेते हैं इसको, इसका हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, 216 का क्यूबिक रूट निकालना है, स्क्वायर रूट नहीं निकालना है यहाँ, तो यहाँ हम फैक्टर निकालेंगे इसका, ये आ गया किसका, ये आ गया हमारा 3 times 2 3 times 3, ऊपर वाले का आ गया, अब एक बार नीचे वाले का भी निकाल लेते हैं, 343 का इसका हो गया 7 into 7 into 7, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 3 पे 3 पे 2 1 बाहर आएगा, यानी कि 1 2 बाहर आ गया, उधर आ गया 3 बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 3 7 पे 1 7 आ गया, अब आप बोलोगे कि मैम 6/7 तो ऑप्शन में ही नहीं है कहीं, अब हम क्या बताएंगे 6/7 क्या होगा,
तो अब देखो 5 by 9 तो ये इस तरह से है, तो ये पता चल रहा है ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई होगा तो कैसे होगा, तो जिसका 1 - 1/7 को चेक करो, ठीक है। इसका एलसीएम 7 होगा, 7 - 7 - 7 - 7 - 1 - 1, ये 6/7 आ गया। इसका मतलब ये 6/7 को ही इस फॉर्म में लिखा गया है, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1 - 1/7 भी लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो गया हमारा, सेकंड नंबर इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अगर अच्छे से समझ में आए हैं, ठीक है बच्चों, वीडियोस मेरी आपको अच्छी लग रही है तो फटाफट से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए अच्छे से, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।